हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से एकदम डिफरेंट यूनिक तरीके का नाश्ता। शायद ही आपने इस तरह का नाश्ता कभी बनाया होगा, एक बार जरूर ट्राई करें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक करें। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। पहले इस नाश्ते की आटा लगा लेते हैं। यहाँ पे लेंगे एक कटोरी मैदा, इसमें डालेंगे 2 चम्मच गेहूं का आटा, जिसे रोटी या फिर चपाती बनाते हैं। आप यहाँ पे आधी मैदा या फिर आधी गेहूं का आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं इस नाश्ते को। इसमें डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन, अजवाइन को हाथ पे लेके क्रश करके डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, इसमें डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, कसूरी मेथी को हाथ पे लेके इसको भी क्रश करके डालते हैं इस तरह से। इन सबको एक बार चला दें। कसूरी मेथी से इस नाश्ते में अच्छा सा टेस्ट आएगा। अगर आपको कसूरी मेथी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे कसूरी मेथी बिल्कुल ऑप्शनल है। यहाँ पर भी इन सबको चला दिया है। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच मोइन और इसे भी कर देंगे अच्छे से मिक्स। क्रम्बल करते हुए मिक्स करेंगे, मैदा पे तेल की अच्छे से कोटिंग हो जाए। यहाँ पर भी इन सबको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसका एक लड्डू सा बना के देखते हैं, यदि किसका लड्डू आराम से बनना है तो हमारा मोइन एकदम परफेक्ट है। अगर आपको नहीं बन रहा हो तो इसमें 1 से 2 चम्मच मोइन फिर से डाल सकते हैं। अब इसमें डालते हैं पानी। पानी इससे ज़्यादा नहीं डालना है, पहले थोड़ा ही पानी डालना है और इसका डो लगा लेंगे। इसका डो ना ही ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है और ना ही ज़्यादा टाइट लगाना है। डो यहाँ पे लगा लिया है। डो के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालते हैं और डो को पूरे पे ग्रीस कर देते हैं ऑयल से। पूरे डो पे ऑयल को लगा दिया है और देखिए जिस तरह से मैं दबाई तो आपको पता चल रहा होगा कि डो किस तरह का है। यहाँ पे मैंने डो इसी तरह का लगाया जिस तरह हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं, इसका इसी तरह से आटा लगाया। अब इसे कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब इसके लिए स्टफिंग बनाएंगे। यहाँ पे लेंगे बाउल, इसमें 2 उबले हुए आलू डालेंगे हाथ से मैश। यहाँ पे कद्दूकस करके नहीं डालना है आलू को, आलू को हाथ से मैश करके ही डालना है। 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गर्म मसाला, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 प्याज बारीक कटा हुआ। इन सबको करेंगे अच्छे से मिक्स। अगर आप प्याज नहीं खाते तो आप प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्याज बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन स्टफिंग में प्याज से अच्छा सा टेस्ट आएगा। आप डाल के देखें, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी स्टफिंग। इन सबको भी यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच टमाटो सॉस, इससे बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। और इसे भी कर देंगे अच्छे से मिक्स। इसे भी यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसमें डालेंगे 1 नींबू का रस, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप नींबू के रस की जगह अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर अमचूर पाउडर। इन सबको चला देंगे। ये हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार से स्टफिंग बन के हो गई तैयार। अब स्टफिंग को एक साइड रख देंगे। अब आटे में से पेड़े बना लेते हैं। जितनी बड़ी हम रोटी के लिए लोई, सेम इसकी इतनी बड़ी ही लोई बना लेंगे और अब इसको गोल कर देंगे। सारी लोइयों को यहाँ पे बना के तैयार कर लिया है। अब इनमें से एक लोई को ले लेते हैं, बाकियों को एक साइड रख देंगे। बोर्ड पर हल्का सा ऑयल लगाएं और अब लोई को रख देंगे और अब इसको बेलते हैं। बेलन से इसे बेलेंगे, ये बहुत आराम से बेल जाएगा। इसे बेलने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसे घुमाते हुए बेल लेंगे, जिस तरह रोटी बेलते हैं सेम इसको इसी तरह से बेल लेंगे। और इसे ना ही ज़्यादा मोटा बेलेंगे और ना ही ज़्यादा पतला बेलेंगे। इसे यहाँ पे बेल लिया है, इसे रोटी की तरह ही बेला है। जैसे हम रोटी बेलते हैं इसको इसी तरह से बेला है। और देखिए इसको ना ही ज़्यादा मोटा बेला है और ना ही ज़्यादा पतला बेला है। अब इसके बीच सेंटर में एक साइड से कट कर देते हैं इस तरह से। इसको यहाँ पे कट कर दिया है और अब इसको घुमा लेते हैं ऊपर की तरफ। 1/2 इंच जगह छोड़ के इसको इस तरह से घुमाते हुए कट करेंगे। इसको यहाँ पे कट कर दिया और इसे 1/2 इंच की जगह छोड़ते हुए इसे कट कर देंगे। इस पर 3 से 4 लाइन बना देंगे। इसको यहाँ पे कट कर दिया है। अब लेंगे स्टफिंग, स्टफिंग रखेंगे 2 से 3 चम्मच स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग को फैला देते हैं थोड़ा सा। स्टफिंग को यहाँ पे फैला दिया है, एक साइड से उठाएंगे इसको, अगली तरफ लाएंगे इस तरह से घुमाते हुए और इसे दबा देते हैं। साइडों में से इसको दबा देंगे इस तरह से। इस पर पानी लगाने की जरूरत नहीं, आराम से बंद हो जाएगा। इसे यहाँ पे बंद कर दिया और इसके साइड में से बंद कर देते हैं। चारों तरफ से इसे बंद करेंगे ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले। इसको यहाँ पे चारों तरफ से बंद कर दिया और अब इसको उठाते हैं एक साइड से, इस तरह से घुमा देंगे इसको और फिर से उठाएंगे और फिर से घुमा देंगे। ये देखिए इसको यहाँ पे घुमा दिया है और इसको दबा देते हैं। जो लास्ट वाला पार्ट है उसे भी इस तरह से दबा देंगे। लास्ट वाले पार्ट को भी अच्छे से चिपका दिया और देखिए नाश्ता बिल्कुल लग रहा है ना समोसे की तरह, लेकिन इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा यूनिक सा, मज़ेदार सा, ये देखिए। और आपको इस नाश्ते बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप इस नाश्ते को आराम से बना सकते हैं। और अब इसको रखते हैं प्लेट में। तेल हो गया गर्म और अपने नाश्ते को डाल देंगे। एक बार में जितना आ जाए उतने को डाल देंगे। मैंने अभी यहाँ पे 3 को ही डाला है और इन्हें इसी तरह सीखने देंगे 2 मिनट तक। और इसकी गैस हाई रखें, हाई गैस पर हम इस नाश्ते को सीखेंगे। जब लगे नाश्ते का कलर चेंज हो रहा है तो नाश्ते को पलट देंगे। और देखिए नाश्ते का थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है, कितना प्यारे से कलर आ गया है। सारे नाश्ते को पलट देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार नाश्ते की रेसिपी है। आप इस नाश्ते को एक बार ज़रूर बना के देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आप इसे केवल 5 से 10 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। नाश्ते का हो गया दोनों साइड से कलर चेंज और देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है। तो अब नाश्ते को निकाल लेते हैं और देखिए नाश्ता कितना ज्यादा जबरदस्त मजेदार लग रहा है। बाकी नाश्ते को भी इसी तरह से सेक लेंगे। नाश्ता बन के तैयार और देखिए नाश्ता कितना ज्यादा जबरदस्त मजेदार लग रहा है और देखिए खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्ट है। आप इस नाश्ते की रेसिपी को एक बार जरूर बना के देखिए और इसे सॉस के साथ या फिर खट्टी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। और देखिए नाश्ता कितना ज्यादा क्रिस्पी है, इसको आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए इसकी लेयर किस तरह से खुल गई है, ये देखिए
एक एक लेयर अलग अलग हो गई है। ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करें एंड शेयर करें। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। बाय बाय।